सभी को जय हिंद दोस्तों। आज वीडियो बनाने का बस एक मकसद है, बस एक एम है, बस एक मोटो है, क्या? जो रेली भर्ती नहीं आ रहे पिछले दो साल से उस पर आवाज उठाना है, और एज रिलैक्सेशन दो साल का कम से कम बच्चों को मिलना चाहिए, और जहां जहां एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है वहां वहां एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। तो कल एक आंदोलन है, कहां पर? राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में। कल 10 बजे आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। वहाँ पर जितने भी हमारे कम्युनिटी है, जितने भी हमारा समुदाय है, साथ में मिले हुए जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो जो वहाँ पर पहुँच सकते हैं, जो भी आर्मी लवर, फौजी लवर, स्पोर्ट्स लवर है, वहाँ पर पहुँचे और आंदोलन को बहुत बड़ा बनाए। इतना बड़ा कि जो हमारा आंदोलन हो वो पूरे सरकार तक जाए, पूरा उसका आवाज़ सरकार तक गूंजे। जब रक्षा मंत्रालय तक ये आवाज़ गूंजेगा, फिर वहाँ से कोई ना कोई सोच विचार होकर जल्दी रैली भर्ती आएगा। हमें पूरी तरह से आज आवाज़ उठाना जरूरी है। अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाया तो ये आवाज़ कुछ दिनों के बाद कुचला जाएगा, और ऐसा नहीं कि बस मेरे आवाज़ उठाने से हो जाएगा, सभी को हमें मिलना पड़ेगा। अभी जो ये फिलहाल आंदोलन है वो राजस्थान में, ठीक है, कुछ दिनों के बाद वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, हम अपने स्तर पे कर रहे हैं, कुछ दिनों के बाद झारखंड में होगा, अलग अलग स्टेट में होगा, लेकिन सबका एम, सबका मोटो बस एक ये रहेगा कि जो रैली भर्ती नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है, वो जल्दी लाया जाए, और जो रिलेशन भर्ती आ रही है वो बार बार क्यों आ रही है। क्या ऐसा जरूरी है कि जो आजकल फौज में गया उन्हीं का बेटा फिर से फौजी बनेगा क्यों, और जो आम दूसरे बच्चे हैं वो क्यों ना फौजी बनेंगे? सबका सपना होता है, सबका एम होता है, तो इस पे आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम जहाँ नहीं कंडक्ट हुआ तो वहाँ एग्ज़ाम लेना बहुत जरूरी है। अभी आपको क्या करना है कि कल सुबह 10 बजे कहाँ पर? राजस्थान के झुंझुनू आपका जो जिला है वहाँ का स्वर्ण जयंती स्टेडियम है, वहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर आने का कोशिश करेंगे। हमारा का ऐसा दिक्कत है कि हम रहते हैं झारखंड में, तो झारखंड से राजस्थान अचानक से जाना पॉसिबल नहीं है, टिकट विकट मिलता नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान और झारखंड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और अचानक से एक दो तीन दिन में आपको टिकट मिलेगा नहीं। तो हम लोग इस YouTube के माध्यम से बस ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे देखते हैं, तो आपको क्या करना है कि कल 10 बजे कहाँ पर, फिर से आपको बार बार इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप वहाँ पे पहुँचे। अगर आज आप नहीं पहुँचेगा तो कल को आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, सर रैली भर्ती क्यों नहीं आ रही है, और बार बार कॉल करते रहे क्यों नहीं आ रही है, क्या रीज़न है? तो ये रीज़न बस हमसे नहीं, ये रीज़न हम पूछेंगे सरकार से क्यों नहीं आ रही है, और सरकार को एकदम नीचे तक ला देंगे कि हाँ लाना ही पड़ेगा। आसमान को जैसे झुकाना कहते हैं ना, तो वैसे सरकार को झुका देंगे। अगर आज सरकार किससे है? सरकार हमसे है। सरकार को किसने बनाया? हमने बनाया। तो डिसीजन किसका चलेगा? हमारा चलेगा, ठीक है। तो सरकार को पूरी तरीक़े से हम लोगों को ऐसा कर देना है कि उनको करना ही पड़े, उसके पास कोई ऑप्शन ही निकले। जैसे कि आपने देखा कृषि आंदोलन जो हुआ, मोदी जी को हटाना ही पड़ा। क्यों ही हटाना पड़ा? क्योंकि पीछे लगे ही पड़े थे, मतलब वहाँ जान जाए तो जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यही चीज़ हमें भी करना है कि रैली भर्ती आए, चाहे अब जो हो जाए, ठीक है। देखिए YouTube में मतभेद तो होते रहता है, टांग खींचा खींची चलते रहता है, ये आम बात है, सोशल मीडिया का ज़माना, ये हल्का फुल्का चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप और हम सब इकट्ठा हैं, सभी का जब एक कम्युनिटी है, हम लोग सब जो वीडियो बनाते हैं 99% जो हमारा व्यूवर्स है वो इंडियन आर्मी फौजी भाई हैं, ठीक है। तो उसके लिए खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, और आप हमसे हैं और हम आपसे हैं। अगर हम दोनों खड़ा नहीं होंगे एक साथ तो बहुत दिक्कत होगा, और ऐसे ही आपका एज बर्बाद होते रहेगा, ठीक है। आज आपको आवाज़ उठाना बहुत जरूरी है, कल जरूर पहुंचिए वहाँ पर, और आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगा, जितने भी हमारे सहयोगी हैं सभी कोई मिलकर इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, सब अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं, और हम लोग हर जगह इकट्ठा है, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं लीजिए कि हम लोग आपके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, हम लोग हमेशा से आपके लिए खड़े हैं। बस ये करना है कि आपको हमारे साथ हमेशा खड़ा रहना, कदम से कदम मिलाएंगे, तभी जाकर ये जो रैली भर्ती नहीं आ रही है और आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा उस पर आवाज़ उठाते रहना, ठीक है, तभी जाकर ये चीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार को मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानना पड़ेगा? जब हम लोग पूरा इंडिया का यूथ, आपको पता है इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा यूथ कैरी करता है, सबसे ज़्यादा जवान हमारे देश में, ठीक है, सबसे ज़्यादा जवान, जब सबसे ज़्यादा हमारे देश में, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में, तो इंडिया को, पूरे भारत सरकार को सुनना पड़ेगा ये बात। तो कल आप पहुँचिए, अपना मौजूदगी को दर्ज कराइए, और पूरा आवाज़ इस धरती से आसमान तक पहुँचाइए, और जो मंत्रालय है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय, वहाँ तक आवाज़ जाना चाहिए, मोदी सरकार तक पूरा आवाज़ जाना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कल पहुँचिए, और आगे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं इंस्टाग्राम पे बताता रहूँगा, या फिर हो सके तो यूट्यूब पे बताता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जरूर पहुँचिए, धन्यवाद।